पूरी बाइक के ऊपर बर्फ जमी हुई है। स्टार्ट हो गए हैं गाटा लूप्स गाइस, अभी हम आ गए हैं नगीला पास पे। प्रॉपर ऑफ रोड चल रही है, धूल मिट्टी इतनी भयंकर है, ये रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा यार। पिछले कितने ही टाइम से मैं इस रोड पे चला रहा हूँ। बाइक की हालत देखो और मेरी हालत, काश मैं आपको दिखा पाता भाई, मिट्टी मिट्टी। फाइनली ले लद्दाख का बोर्ड दिख गया है 926 किलोमीटर के बाद। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। और कल की रात यार मतलब भयंकर ही थी, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि बस मैं क्या ही बताऊं यार। ये देखो बर्फ़ तक जम चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे बाइक पे देखो पूरी बाइक के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। और एक्सट्रीम ठंड थी, रात को सोते हुए भी काफ़ी दिक्कत आई, और मतलब एक एक आधे आधे घंटे में नींद खुली रही थी। और व्यू देखो यार, हल्का सनराइज हो रहा है अभी अभी। ड्रोन व्यू उड़ाते हैं यहाँ पे, देखते हैं ड्रोन से कैसा व्यू दिखेगा। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम जाएंगे सीधा ले, और ले यहाँ से है करीब 300 किलोमीटर। तो हाँ, अभी देखते हैं कि क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट, या फिर रास्ते में ही कहीं कुछ खाएंगे, क्योंकि हिम्मत नहीं है यार, क्योंकि अब टेंट दोबारा से उतारना पड़ेगा, और सबसे बड़ा का काम यही है टेंट उतार के बाइक के ऊपर माउंट करना। तो हाई एल्टीट्यूड है यहाँ पे, सो थोड़ा सा सिकनेस हो रही है। और ये भाई मतलब करनाल साइड से हैं, और इनको भी मतलब एक बंदे को वॉमिट और सर दर्द हो गया कल रात को। तो ठंड तो है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरचू में इतनी ज़्यादा ठंड होगी। वीडियोस में तो देखा था, हालांकि इस प्लेस पे लोग कम ही कैंपिंग करते हैं, बट अच्छा था एक्सपीरियंस जो था कल का। तो अभी ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन से आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ ऊपर का। अभी मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, और इसके अंदर अगर आप देख सकते हो तो वार्निंग आ रही है, चार्ज और वार्म अप बैटरी। तो बैटरी भी इतनी ठंडी होगी कि ये टेक ऑफ कर ही नहीं रहा। चलो देखते हैं, होता है तो ठीक है, वरना फिर रास्ते में दिखाएंगे। वैसे व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ का। चेन एकदम सूख गई है इसकी, तो एक बार चेन लूप कर देते हैं, क्योंकि लगभग 650 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। तो लगभग सारा सामान पैक हो गया है बाइक के ऊपर, और अब बस एक फाइनल चीज़ टेंट रहती है, उसको लगाएंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं, और आज सीधा जाएंगे ले। और अब धूप भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, तो एक बार टेंट को हटा लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली सामान सारा लोड कर दिया है, और जैसा सामान यार घर से लोड करके चलो ना, वैसा सामान आप ट्रिप पे कभी लोड नहीं कर सकते। जैसे कि ये वाला बैग देखो,
ये मैंने घर पे कितना बढ़िया पैक किया था और अभी इसकी हालत देख लो। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं यहाँ से और वहाँ से आ रहे थे हम मनाली से और अब हम आगे जाएंगे। यहाँ पे सारचू का चेक पोस्ट भी आएगा आगे, तो काफ़ी लंबी राइड होने वाली है आज की। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और सोमवीर भी अभी अपनी बाइक रेडी कर रहा है और सुबह से बस कॉफ़ी पी थी, उसके अलावा कुछ नहीं पिया है क्योंकि सामान लोड करना बहुत हेक्टिक काम हो जाता है यार। मतलब वो सिर्फ दिखता है वीडियो में कि अच्छा लग रहा है, कैंप लगा रहे हैं, लेकिन आप अगर आप रियल में कभी करके देखोगे तो आपको रियल पता चलेगा। तो यहाँ से चलते हैं सीधा। तो अभी निकल चुके हैं और टाइम हो गया है 9:41 का और यहाँ पे सारचू की चेक पोस्ट है। यहाँ से पांग है 88 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या परमिट देख रहे हैं या क्या चेकिंग करा रहे हैं। तो रात की फर्स्ट टाइम कैंपिंग का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि हम खाना वाना बना के 9:30 बजे तक अपने अपने कैंप में सोने के लिए रेडी हो गए थे। सोमवीर भी और मैं भी, हम दोनों ने साइड बाय साइड ही कैंप लगाया हुआ था। बट ठंड इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पे कि आप अगर टेंट से बाहर भी निकलोगे तो भी आपको ऐसा लगा, क्योंकि कल वहाँ भी स्नोफॉल हो रही थी तो फिर बॉडी में थोड़ी सी मतलब वीकनेस तो थी और पूरा ऑफ रोडिंग था वो बारह चावाला रोड। तो बाहर निकलते हुए तो ऐसा लग रहा था कि फीवर होएगा, बट फिर रात को सोया और मैं अपने सारे गैजेट स्विच ऑफ कर दिए थे क्योंकि बाई चांस रेंज तो यहाँ पे है ही नहीं, किसी भी नेटवर्क की कोई रेंज नहीं है यहाँ पे। तो मैंने अपना फ़ोन, GoPro, हर चीज़ किसी चीज़ की बैटरी निकाल दी थी और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। और रात को भाई नींद ना आए और मैं पूरा परेशान हो गए, मतलब मैंने इतना वेट किया टाइम देखने के लिए, मैं थक हार के फिर मैंने चल उठाया फ़ोन कि चलो देखता हूँ कितना टाइम हो गया होगा। और उस टाइम था सिर्फ 1:30 बजा था उस टाइम, और मेरे को लगा कि भाई सुबह तक तो और भयंकर होगा क्योंकि रात में इतनी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश और स्नो तो मैंने आपको दिखाई दी। तो रात का एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। और हाँ, सुबह बहुत सही नींद आई, जब एक बार मैंने 1:30 बजे देखा था टाइम, एक बार 2:30 बजे देखा था, एक बार 3:15 के अराउंड देखा था, बट उसके बाद तो जब मेरी आँख खुली तो पूरा जैसे कि टेंट में रोशनी हो रखी थी और मतलब दिन हो ही लिया था, 5:30 बज गए थे उस टाइम पे। तो कैंपिंग करते टाइम बाइक से सामान उतारना और फिर वापस बाइक के ऊपर लोड करना, और वो भी इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो भाई सही बता रहा हूँ, सांस फूल जाती है। और डाइमोक्स सोमवीर तो मतलब जैसे कि हम 2 दिन से लगातार डाइमोक्स ले ही रहे थे, तो आज मैंने डाइमोक्स नहीं ली है क्योंकि पता नहीं, वो मेरे को ऐसा लग रहा है डाइजेशन में भी थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क करती है डाइमोक्स, तो वो मतलब कुछ अच्छा सा फील नहीं करा रही थी तो फिर इसलिए मैंने ली नहीं। अगर आगे जाके थोड़ा सा सिकनेस हुई या कुछ हेडेक हुआ तो फिर मैं ले लूँगा। और माउंटेन्स देखो आप, टिपिकल एक नंबर, सुंदरता के मामले में लद्दाख का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए अगर आप बाइक से कर रहे हो। तो इस तरफ देखो, बहुत सही। तो यहाँ से पांग है एग्जैक्ट 60 किलोमीटर्स। अभी हम कुछ इंस्टा 360 के शॉट ले रहे थे, तो वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बाइक पे ऐसा नहीं है कि चलते चलते वीडियो बना ली। तो भाई
लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना? ओके। इस ब्रिज का नाम है विस्की ब्रिज। वाह, इतने अजीब अजीब नाम कहाँ से रख रखे हैं, विस्की ब्रिज। ये देखो वहाँ पे लिखा हुआ है विस्की ब्रिज। सो अभी स्टार्ट हो गए हैं गाटा लूप्स और पहाड़ी देखो आप कितनी बड़ी बड़ी हैं और साथ में रिवर चल रही है और बिल्कुल नीला पानी है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है बट पूरा साफ पानी दिख रहा है नदी के अंदर से। और ये वाली रोड टूटी हुई है गाटा लूप्स वाली। हम हैं गाटा लूप्स में और जैसे कि आप देख सकते हो ये सब डस्टबिन नहीं है, ये सब यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इसके पीछे एक स्टोरी जुड़ी हुई है एक बस ड्राइवर और कंडक्टर की। तो जो भी यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे खाली बोतल चढ़ा के जाता है, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि उनका ट्रक यहाँ पे ख़राब हो गया था और ड्राइवर हेल्प लेने के लिए गया था और कंडक्टर जब तक वो आया एक हफ्ते के अंदर उसकी डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पे उनकी एक समाधि भी बना रखी है और पूरे गाटा लूप्स में बहुत सारे कर्व हैं तो इसलिए शायद इसका नाम गाटा लूप्स है। तो अभी आगे चलते हैं यहाँ से। गाइस अभी हम आ गए हैं नगीला पास पे और ये पास का एल्टीट्यूड है 15,547 फीट और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और यहाँ पे सारे बाइकर्स रुके हुए हैं फ़ोटो वोटो लेने के लिए। तो हमने अपनी फ़ोटो निकाल ली है और ये अपनी बाइक खड़ी सबसे अलग। अब चलेंगे यहाँ से आगे। तो अभी मकिल्ला पास से निकल चुके हैं और अब नीचे उतरेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कर्व सारे, नकिला पास की हाइट थी करीब 15,500 फीट और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ पे, तो ज़्यादा देर कोई रुक नहीं रहा था। तो अभी धीरे धीरे वापस नीचे उतरेंगे। रोड यार ये सारा मतलब टूटा हुआ है, मतलब जैसा बारालाचा पास था वैसा सा ही कुछ रोड है, मतलब अच्छा नहीं बना हुआ तो इसलिए भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अभी हम हैं देर से 200 किलोमीटर पहले और अभी लंच का टाइम हो गया था तो राजमा चावल खा रहे हैं और यहाँ से व्यू देखो आप, रोड काफ़ी टूटी हुई है और इसलिए ज़्यादा थकावट भी हो रही है। और ये कितना किलोमीटर पांग तक बता रहे थे ना, वो पांग तक ऐसी टूटी हुई रोड मिलेगी। बाकी देखो आराम करेंगे थोड़ा सा चावल खाने के बाद फिर निकलेंगे। प्रॉपर ऑफ रोड चल रही है, धूल मिट्टी इतनी भयंकर है इस पूरे ही रोड पे। देखते हैं कब तक होगी धूल मिट्टी। अब लंच वंच कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी 2-3 घंटे तक। अब भूख लगेगी तो शाम को ही लगेगी और बीच बीच में अपना पानी वानी पीते रहेंगे। ले यहाँ से 203 किलोमीटर। तो अभी तक ये हाईवे तो क्या ही बोलूँ, रोड ऐसे ही टूटा हुआ है, पता नहीं कब तक ये ऐसा रहेगा। कमर टूट गई भाई चलाते चलाते, पूरा रोड टूटा हुआ है भाई। ये रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा यार, पिछले कितने ही टाइम से मैं इस रोड पे चला रहा हूँ
और अब तो फ्रस्ट्रेशन होने लगी है सही बताऊँ तो, कि भाई ये रोड ख़त्म हो और जल्दी कोई टंका रोड आए, क्योंकि पीछे लगेज भी है तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से ज़्यादा स्पीड में जा सकता हूँ। ज़्यादा स्पीड में जाऊँगा तो फिर लगेज ही जाएगा सारा। ये किस चीज़ का जाम है अब, यहाँ से रह गया है 9 किलोमीटर और ले है 183 किलोमीटर। यहाँ पे कोई लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है शायद, तभी रोक रखा है। क्या ये एरिया है भाई, खतरनाक ऐसा लग रहा है भाई, किसी और ही दुनिया में आ गया। जैसे कि मार्स की वीडियो देखते हैं ना, सिर्फ पत्थर ही पत्थर पत्थर ही पत्थर। और अब यहाँ से ये पूरा रोड नीचे तक उतरेगा शायद। वो देखो नीचे तक पूरी ऑफ रोडिंग होगी अब तो। वहाँ ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति बना रखी है किसी ने, फेसेस दिख रहे हैं। और इस वाली रिवर में जो साथ में है, इस वक्त पानी बिल्कुल सूखा हुआ है, पानी है ही नहीं। अब तो शायद बस 4-5 किलोमीटर का रह गया हुआ है ये रोड पांग तक। आप मेरी आवाज़ से भी पहचान सकते हो कि मतलब कितना टूटा हुआ रोड है, मेरी आवाज़ पूरी फ्लक्चुएट कर रही होगी। तो यहाँ पे कोई एक लोकेशन आई है और यहाँ पे एक आधा ढाबा है। बाइक की हालत देखो और मेरी हालत, काश मैं आपको दिखा पाता भाई, मिट्टी मिट्टी। आउट भाई, आउट हो गया। ओ भाई क्या खतरनाक रास्ता है, हे भगवान रोड दिखा दो अब आगे। बतेरा ये ऑफ रोडिंग कर ली। GoPro भाई रोड तक है, भाई रोड आ गया। पिछले 2 घंटे बाद रोड की शक्ल दिखाई दी है। हाथ थक गया भाई, क्लच दबा दबा। और अब मेरे हिसाब से रोड आगे सारा ठीक ही होगा। ये देखो लैंडस्केप, अमेजिंग अमेजिंग। थिंक इस जगह का नाम मोरे प्लेन्स हो सकता है, क्योंकि मैंने मैप में देखा था कि पांग के पास ही था मोरे प्लेन्स। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये मोरे प्लेन ही है, बाकी मैं चेक करके बताऊंगा।
काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और इस मोरे प्लेन्स वाले रोड पे चलाते हुए आ रहा है एक नंबर का मज़ा। जितना दिमाग खराब वो पिछले टूटे हुए रोड ने किया था उतना ही मज़ा ये रोड दिला रहा है। पूरा रोड एकदम बढ़िया बना हुआ है, बस थोड़े बहुत बम्प्स ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, वरना इस रोड पे तो मतलब टॉप स्पीड हर व्हीकल की चल जाएगी। और हवा फिलहाल ज़्यादा चल रही है तो आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ भी कम आ रही होगी। शाम के टाइम पे मैंने ये देखा है लद्दाख में स्पेशली कि हवाएं ज़्यादा तेज़ चलने लग जाती है। और ये एक ग्रुप हमारे साथ ही चल रहा है, इतनी हवा आ रही है और वो भी मैंने वाइजर बंद कर रखा है तब इतनी हवा आ रही है। रास्ता देखो पहाड़ी के बीच में से वहां से जाएंगे हम तांगलांग ला और उसके बाद ले बच जाएगा करीब शायद 100 किलोमीटर तो भी 4:15 होंगे। ये रहा 11 किलोमीटर रह गया तांगलांग ला। चलो इस पास का तो रास्ता बाकी पास इतना ख़राब नहीं है, रास्ता तो बढ़िया ही बना रखा है। ऊपर देख रहे हो आप बाइक से जाती हुई, सो हियर वी आर ऑन दी तांगलांग ला पास और ठंड काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे और ये है 17,482 फीट पे, तो ये 12 लाचा से भी ऊपर पास है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यार। चलें चलो अभी हम पहुँचे हैं उपसली के चेक पोस्ट पे और तब से हम नॉन स्टॉप राइड कर ही रहे हैं क्योंकि यार लद्दाख पहुंचना था और सोचा तो ये था कि उपसली पहुंच के कुछ ब्रेक लेंगे कुछ चाय कॉफ़ी का, बट यहाँ पे चेक पोस्ट पता नहीं क्यों लगा रखा है। लेट्स सी अभी पूछते हैं। हाँ जी सर 40 रुपीज़ दोनों बाइक के हैं खुले बार, ये किस चीज़ के हैं? कहाँ की एंट्री फी? यार चार जगह एंट्री फी कटा चुके हर जगह, मतलब इतनी एंट्री फी थोड़ी होती है और एक एनवायरमेंटल फी वो अलग 40 जी 20 पर बाइक भाई, एनवायरमेंटल फीस इतनी कटवा चुके हैं ले में आने के लिए। हाँ सारा ट्रेवलर से बजट चल रहा है क्या? उपसली का ब्रिज और ले यहाँ से है 49 देखते हैं यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी सी देर। कारगिल और ले लेफ्ट साइड में और चुमाथांग और हानले पड़ेगा आपका राइट साइड में। अभी हम हैं उपसी की मार्केट में और लगातार कितने किलोमीटर आगे हो गए 120 आज नहीं वो तांग कौन सा पास था वो तंगलंगला उसके बाद 120 किलोमीटर के करीब आ चुके हैं शायद। आज अपन अभी तक करी होगी 210 किलोमीटर। हाँ तो अभी यहाँ पे स्टीम मोमोज बोले शाम के स्नैक्स में और वेज चाउमीन और थकावट ज़्यादा ही हो रही है और यहाँ पे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है कि ले में स्टे बुक कर सकें, वो भी वहीं जाके देखना पड़ेगा। तो टाइम भी हो रहा है 5:30 के अराउंड, तो यहाँ से खाना वाना खाएंगे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे उसके बाद ले चलेंगे और ले यहाँ से सिर्फ 49 किलोमीटर है तो लगभग 1 घंटा लगेगा, तो हम 7:30 तक पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर, फिर आधा घंटा कुछ स्टे देखने का लगा लोग। तो
बने रहिए आप मेरे साथ। और आज मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी यार, हरी जगह में इतनी मिट्टी है, गोपरों में, पेंट में, हरी जगह, हेलमेट काल देखो, मिट्टी मिट्टी है। तो एक बार जाके वहाँ पे नहाएंगे और फिर आराम करेंगे आज, और कल भी आराम ही करेंगे क्योंकि कल हम हैं लेह में ही, तो लेह सिटी एक्सप्लोर करेंगे कल। तो अब 3 दिन लगातार राइड करने के बाद अब 1 दिन थोड़ा सा रेस्ट है कल, तो मोमोज और वो आने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका टेस्ट। और ये आटा नूडल लग रहे हैं क्योंकि साइज़ में थोड़े से बड़े हैं, तो ये शायद खुद ही बनाते होंगे। और मोमोज वो इतने सारे पीसेज और साइज़ में बड़े हैं। अभी इनको करते हैं टेस्ट। साथ आ गया है खाए थे और अब कॉम्प्लीमेंट्री सूप, फिर रात को देखते हैं खाना, भूख रहेगी तो खाएंगे नहीं तो नहीं। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। आप सिर्फ भी दुख रहा है क्योंकि हम एल्टीट्यूड से, और अभी उसकी चटनी से है ग्रीन कलर की, टूट पर सब देखते हैं कैसा टेस्ट होगा। सो अभी यहाँ से जा रहे हैं और कारू है यहाँ से 13, लेह है 47 और पेंगोंग 203। यहाँ भी जाएंगे 2-3 दिन के बाद, पूरा लद्दाख कवर करने का प्लान है। बाकी देखते हैं अभी 49 किलोमीटर है, कितनी देर में आप पहुँचते हैं, जल्दी पहुँच जाए तो और बढ़िया है, वरना फिर रात को यार पहाड़ों में तो ठंडी हवा बहुत चलती है। तो उससे पहले अपना रूम ले लेते हैं, और नेटवर्क अभी भी फ़ोन में नहीं आ रहा। ले तक तो नेटवर्क्स को काम करना ही चाहिए, पता नहीं क्या है। देखो कैसा चमक रहा है, बिल्कुल सनसेट होने वाला है अभी, और उसकी रेज पानी के अंदर ऐसी है कि मतलब ब्लू नहीं लग रहा बट ऐसे स्पार्कल कर रहा है पूरा। ये रिवर के साथ ही जा रहा है, शाम का टाइम है, अब थकान भी थोड़ी सी कम हो गई है तो अब लग रहा है बढ़िया। कारू का मिलिट्री बेस, और जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ा है और अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। सनसेट देखो कितना सुंदर है, लाइट कहीं पड़ रही है कहीं नहीं पड़ रही, बहुत अच्छे है। और ये है कारू का पेट्रोल पंप, फाइनली यहाँ फ्यूल भराते हैं लोग, क्योंकि रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं था। रोड तो भाई एक नंबर का बना रखा है, राइड करते टाइम एक नंबर मजा आ रहा है, कहीं कोई बंप नहीं है, बिल्कुल सीधा है। और ये पहाड़ी देखो आप, पहाड़ी देख रहे हैं इस तरफ भी उस तरफ भी, और हर किसी पहाड़ियों पर अलग टाइप की सनलाइट गिर रही है, तो वो देखने में और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और सामने ये ग्रीन ट्रीज, अमेजिंग सनसेट है यार, बिल्कुल ऑरेंज, ओहो मज़ा आ रहा है लद्दाख में। फाइनली लेह लद्दाख का बोर्ड दिख गया है 926 किलोमीटर के बाद, और ये एक ड्रीम ही पूरा हो रहा है यार मेरा। काफ़ी साल से प्लान था लद्दाख आने का, और आज वो फाइनली मैंने पूरा कर लिया है। मैं काफ़ी हिमाचल में भी, और मतलब काफ़ी हिली एरियाज़ में गया हूँ, पर उसके कंपैरिजन में अभी तो ले आया भी नहीं है। और साफ़ सफाई मेरे को बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रही है, और स्पेशली रोड भी चौड़ी है, और पेड़ भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसे ही उगे हुए हैं, ये मतलब लगा रखे हैं पूरा सेंट्रलाइज तरीके से, कि
कि भाई देखने में बड़ी अच्छी लगे। और ले यहाँ से है 22 किलोमीटर दूर और